अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं आपके? रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज बहुत ही टेस्टी पकौड़ों की रेसिपी, जो है क्रिस्पी आलू प्याज के पकौड़े। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 से 3 आलू लिए थे, इनको मैंने लंबाई में काट लिया था, और मेरे पास 2 से 3 ही प्याज थे, इनको भी मैंने बारीक काट लिया था। नमक लगा कर तकरीबन मैंने इसको 20 मिनट रखा था ताकि दोनों जो है अपना पानी छोड़ दें। इस तरह से ये देखें, फिर इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें है मेरे पास अनारदाना 1 टेबल स्पून है, इसके अलावा मेरे पास है जी नमक 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम ऑलरेडी सब्जियों में नमक डाल चुके हैं, लाल मिर्च है, 1 पिंच ऑफ मीठा सोडा है, 1 चम्मच खाने का भर के साबुत सूखा धनिया, अजवाइन भी 1/2 टीस्पून है, बेसन हमारे पास है जी 1 प्याली। अब इन दोनों चीज़ों में हम अपने स्पाइसेस को ऐड करेंगे इस तरह से। अब इसमें ऐड कर देंगे अनारदाना। अनारदाने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत क्रंची, बहुत मज़े का आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस स्टेज में हमने बेसन को ऐड नहीं करना, अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह से। अब बेसन हमने इसके अंदर 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ऐड करने हैं, एकदम से हम सारा बेसन ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए जी, मैंने स्टिल अभी तक इसमें पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी है सब्जियों का, प्याज का और आलू का। अब मैं से इसके अंदर इस स्टेज में 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो पानी ऐड करूँगी, जो इसके लिए इनफ होगा। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और वो उसके जो पकौड़े वो अच्छे नहीं बनेंगे, ये बिखर जाएगा तेल में जाके। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे अगेन इस तरह से, इसको रेस्ट देंगे 2-3 मिनट का। ये बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़े के बनते हैं, घर वाले इसकी फरमाइश बार बार करेंगे आपसे। मैं इसको हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथ से हम कर सकते हैं वो चम्मच से नहीं आएगी। देखिए इस तरह से जो तेल है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, इसको मैंने पहले से गर्म करके रखा था। अब इसमें मैं पकौड़े ऐड करूँगी और इस तरह से देखें 2 से 3 मिनट इसको बस को हम इसकी साइड चेंज करेंगे, एकदम से इसकी साइड चेंज हमने नहीं करनी। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए ताकि जो बेसन में अच्छे से पक जाए। ये देखें जी, चेक करें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं हमारे पकौड़े, बहुत ही मज़े का इसका कलर आया है, चेक करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, और वैसे भी ये शाम की चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं और झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत मज़े के होते हैं ये। इसको डिश आउट करूँगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।